हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास फिफ्थ रेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड क्रीजिंग दिन नंबर सो लेट्स प्रोसीड विथ योर बुक एंड द टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ अटलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन यानी कि अगर कोई सीड से हम पौधा ग्रो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सीड जर्मिनेशन लेटेस्ट टू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीसन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीट चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन है जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है टेक फोर प्लेट्स एंड नंबर देम वन टू थ्री एंड फोर चार प्लेट लेना है और उसमें नंबरिंग कर देना है टेक सम ड्राई ग्राम सीट्स और हम फिर क्या करेंगे एक ड्राई ग्राम सीट्स कुछ लेंगे पुट सन सीट्स इन प्लेट वन एंड किप द प्लेट ऑन अ विंडो सेल वेयर इट कैन गिट एयर एंड सन लाइट और हम एक प्लेट वन लेंगे और उसमें कुछ ग्राम सीट्स डाल देंगे और उसको ले जाके हम विंडो सीट के पास रख देंगे जहाँ पे एयर एंड सन लाइट पहुँचता हो पुट सन सीट्स इन अ प्लेट टू फिर क्या करेंगे प्लेट टू में कुछ सीट्स लेंगे कीप द प्लेट इन अ बीकर कॉन्टेनिंग वाटर और उस प्लेट को एक बीकर में रख देंगे जिसमें वाटर हो नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल और उस बीको बीकर को भी हम विंडो सिल के पास ले जाके रख देंगे पुट सम कॉटन इन प्लेट थ्री और फिर क्या करेंगे प्लेट थ्री लेना है और एक मॉइस्ट कॉटन पर हम कुछ सीट्स को रखेंगे कीप द प्लेट इनसाइड साइड रेफ्रिजरेटर और उस प्लेट को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे पुट सम मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट फोर और कुछ सेट्स हम प्लेट फोर में डालेंगे जिसमें भींगा कॉटन होगा कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल और उस प्लेट को भी विंडो सिल के पास रख देंगे कीप द कॉटन ऑफ प्लेट फोर मॉइस्ट ऑल द टाइम और जो प्लेटफोर है उसका कॉटन हमेशा भिंगोते रहेंगे यू विल नोटिस दैट द ओनली सीड्स इन प्लेट फोर जर्मिनेटेड हम क्या देखेंगे कि केवल प्लेट फोर में ही जर्मिनेशन होगा दिस शोज दैट एयर मॉइस्चर सनलाइट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि सीड जर्मिनेशन के लिए एयर वाटर सनलाइट नेसेसरी कंडीशन है दिस इज बिकॉज जरमरेटिंग सेट्स नेड एयर टू ब्रीथ क्यों क्योंकि जर्मनेटिंग सीट जो होता है उसको हवा चाहिए ताकि वो ब्रीथ कर सकें वाटर ऑल्सो मेक दिस सीट कोड सॉफ्ट पानी क्या करता है सीट कोड को सॉफ्ट बनाता है दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक दिस सीट ओपन एंड कम आउट और ये हेल्प करता है कि बेबी प्लांट सेट कोड से आसानी से बाहर निकल आता है वंथ इज नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ द दीड टू बिकम एक्टिव और वान जो है वो भी नेसेसरी है क्योंकि जो सिर्ट सिड होता है उसके सेल्स हमेशा एक्टिव रह सकें स्टेजेस इन जर्मिनेशन चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस होता है जर्मिनेशन में सुख समाटर क्या करना है कुछ ग्राम सीट लेना है और उसको भिंगो देना है नोटिस दैट अट इज स्वेलन बिकॉज इट हैज्जॉर्ब वाटर हम क्या देखेंगे कि जो भिंगोया हुआ सीट्स है वो क्या होगा स्वेलन होगा क्योंकि वो वाटर ऑब्जर्ब किया है इट्स कोट हैज अलो बिकम्फर्ट और उसका कोट जो है वो भी क्या सॉफ्ट हो चुका है नाउ पुट दिस दिस ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइट ओवर द माउथ ऑफ चार और हम क्या करेंगे फिर इस सॉफ्ट सिर्स जो है उसको एक क्लॉथ पे लेंगे और उसको एक जार ले लेंगे और उसको टाइटली बांध देंगे टीनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट सिर्स कोर्स क्या देखेंगे टिनी रूट छोटे छोटे रूट्स जो है वो बाहर निकल आएगा सिर्स कोड कोट से लैटेड सूट्स टू विल कम और फिर उसके बाद सूट्स भी आने लगेंगे द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड टूअर ग्रेविटी और रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा एंड शूट ग्रो अपवर्ड वट सनलाइट और जो शूट से है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा सनलाइट की तरफ दिस सेडलिंग ग्रोज एंड बिकम अ प्लांट और ये जो सीडलिंग है वो क्या होगा ग्रो करने के बाद एक प्लांट बन जाता है नाउ योर टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैरी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन नाट दर प्लांट्स जो है वो फिक्स होता है ग्राउंड में और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है इफ़ ऑल द बेबी प्लांट ग्रो नियर द पैरम प्लांट नॉट ऑल वुड सर्वाइव अगर सभी जो प्लांट एक ही जगह पर ग्रो करें तो वो क्या होगा सर्वाइव नहीं करेगा दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट फूड वाटर एंड स्पेस टू ग्रो उन्हें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट फूड वाटर और जगह नहीं मिल पाएगा ताकि वो आसानी से ग्रो कर सकें हेल्थ देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दिस सीट्स इसलिए इस नेचर में कुछ एजेंट्स है माध्यम है जिसके थ्रू सिर्ट्स स्कैटर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है या बिखरता है दिस एजेंट्स कैरी दिस सीड्स और फ्रूट फ्रूट अवे फ्राम देअर पेरेंट प्लान और इस एजेंट के थ्रू थ्रू क्या होता है सीड्स जो होता है वो अपने पैरेंट प्लांट से एक जगह से दूसरी जगह जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल डिस्पर्सल क्या होता है अगर सीट जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर अगर किसी एजेंट्स के थ्रू जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्सल बोलते हैं चलिए देखते हैं कौन कौन सा वो एजेंट्स उट बाई दिन वाटर एनमल एंड बाई दूट डिस्पर्सल जो होता है कैसे होता है विंड के द्वारा पानी के द्वारा एनिमल्स के द्वारा और एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट का जो फट जाता है उसके थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सेट एंड फ्रूट है उसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है किस कि तरह से वो कॉटन मैडर हिप्टेस वो जैसे आपका कॉटन कहा गया वो क्या लाइट है और उसमें विंग होता है सो दे कैन बी इजिली कैरिड बाई वि इसलिए वो क्या होगा आसानी से विंड के थ्रू मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं एंड सेकेंड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल वाटर द लोटस फ्रूट हैज अस्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज अ फाइबर आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर वाटर के थ्रू जैसे लोटस हो गया आपका कोकोनट हो गया वो क्या होगा एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है एनिमल्स के थ्रू

अनचेस्ट इन तेर ड्रॉपिंग और जैसे ह्यूमन्स के एनिमल्स के थ्रू जैसे ह्यूमन बींग्स के थ्रू हो गया हमारा बर्ड्स के थ्रू हो गया वो क्या बर्ड्स अगर उसको खाता है उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल के रूप में कहीं पे निकाल देता है तो वहाँ से भी क्या होगा हमारा प्लांट्स जो है ग्रो कर सकते हैं एंड नाउ एक्सप्लोसन सम फ्रूट्स लाइक पीस इन अ पॉट बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड वेन ड्राई कभी कभी देखते हैं कि कोई फल होता है वो क्या होता है पक जाता है अधिक और उसके बाद वो क्या होता है खुद ही फट जाता है द फोर्स ऑफ एक्सप्लोसन हेल्प टू स्केटर सिर्स और उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा उस सिर्स को बिखरने में मदद करेगा एस्केटर होने में तो यानी कौन कौन सा एजेंट हो गया डिस्पर्सल के विंड वाटर एनिमल्स एक्सप्लोशन नाउ योर टॉपिक इज़ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी जरूर नहीं है कि सीड्स के थ्रू ही हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उस उसके अलावा भी हम ग्रो करते हैं, जैसे कि रूट्स से लिप्स से तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्राम सर्टिन अदर पार्ट्स सच एज रूट्स स्टीम एंड लिप्स ऑफ द पैन प्लांट यानी सीड्स के अलावा न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर सीड्स के अलावा और भी बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं रूट्स हो गया स्टेम हो गया लिप्स हो गया सम प्लांट्स लाइक द रोज शुगर केन एंड हीस का ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग हम देखते होंगे जैसे कि रोज हो गया सुगर कैन हो गया हिविसकस हो गया उसके क्या करते हैं डाली कट करके और कहीं पे लगा देते हैं द पोटैटो इज ए स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड हैज़ अ बर्ड्स कॉल्ड आइज पोटैटो का हम हम लोग देखे होंगे जो कि क्या एक स्टेम है और वो क्या होता है ज़मीन के अंदर ग्रो करता है पोटैटो के अंदर पोटैटो के ऊपर क्या देखते हैं एक बर्ड्स होता है जिसको हम आइज बोलते हैं एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड ऑन इट कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट अगर उसको कट करके उस बर्ड्स को हम कहीं पर लगा देंगे जमीन के अंदर तो क्या होगा न्यू पेट्रोट प्लांट ग्रो हो जाएगा ओनियन एंड जिंजर आर अल्सो अंडरग्राउंड स्टेम ये भी जमीन के अंदर होता है फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो जहाँ से न्यू प्लांट्स क्या होता है ग्रो करता है स्वीट पोटैटो एंड कैरोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इंटू न्यू प्लांट स्वीट पटेटो हो गया कैरोट हो गया उसका भी क्या होगा उसके रूट से दूसरा न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है द लिप्स ऑफ प्लांट लाइक दी बॉरी फिल्म कैन ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स और जैसे एक बॉरी फिल्म प्लांट्स होता है उसके लिप से क्या होगा बहुत सारे न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है नाव टॉपिक इज़ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट ऑफ वन कैन ग्रो इन अ पार्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल क्रॉप्स अगर हम प्लांट्स को एक ही टाइप के अगर बहुत अधिक जगह पे ग्रो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे क्रॉप्स बोलेंगे फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन फार्मर जो होते हैं अलग अलग तरह के क्रॉप्स अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं क्रॉप्स लाइक वीट एंड क्राम क्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स जैसे कि क्रॉप्स जैसे वीट क्राम जो हो गया हम नवंबर से ले नवंबर में लगाते हैं और उसको अप्रैल में कट कर करते हैं इस क्रॉप्स को क्या बोलेंगे रबी क्रॉप्स बोला जाता है यानी विंटर क्रॉप्स बोलते हैं क्रॉप्स क्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आल आर कॉल खरीफ क्रॉप्स और मानसून क्रॉप्स और अगर कोई क्रॉप्स को जून में लगाते हैं और अक्टूबर में उसको कट करते हैं तो उस क्रॉप्स को क्या बोलेंगे खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं और उसको मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं जैसे कि राइस मेज शोर बाजरा ये सब क्या है खरीफ क्रॉप्स है आपका व्हीट कौन सा क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स है और राइस मेज़ ये क्या होगा खरीफ क्रॉप्स होगा वेजिटेबल्स लाइक कैबिस कॉलीफ्लावर रेडिस पीन एंड पी ग्रो ड्यूरिंग विंटर सब्जियाँ जैसे कैबिस हो गया कॉलीफ्लावर रेडिस ये सब कब ग्रो करता है विंटर में वेजिटेबल्स लाइक द प्रिंजल पम्पकिन एंड गार्ड ग्रो इन समर और जैसे बैगन हो गया पम्पकिन हो, हो गया गार्ड हो गया ये सब कब ग्रो करता है समर में डिफरेंट प्लान्टॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन बट आल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल यानी क्रॉप्स किस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट पर और सीजन पे और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करता है कैसा किस मिट्टी में कौन सा क्रॉप्स ग्रो करेगा इफ इफ़ यू नो द कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अगर हम अच्छे से कंडीशन जानते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए वी कैन हम अच्छा फसल ग्रो कर सकते हैं राइस एंड जूट ग्रो इन सॉइल राइस और जूट होगा वो कौन से मिट सॉइल में ग्रो होगा सॉइल में फिच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर वो क्या करेगा क्ले सॉइल मतलब बहुत अधिक मात्रा में पानी को सो एब्जॉर्ब होल्ड्स कर सकता है। दैट इज वाई मोर राइस इज ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल इसलिए वेस्ट बंगाल में अधिक मात्रा में राइस ग्रो होता है ऑन दी अदर हैंड वीट इज़ ग्रोन इन सैंडी एंड इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश और उसी तरह वीट जो है वो अधिक कहाँ पे सैंडी सॉइल में अच्छे तरह से ग्रो करता है जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक ग्रो होता है जौहर एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडिस सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान जौर और बाजरा भी कहाँ पर सैंडिस सॉइल में ग्रो करता है जो राजस्थान में है कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया काटन को किस सॉइल में ग्रो करते हैं ब्लैक सॉइल में टी प्लान्टीड मॉइस सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप ऑफ फिली एरिया लाइक आसाम ट्री जो है उसको कौन सा सोइल चाहिए मॉइस्ट सोइल चाहिए जो कि हिली एरियाज़ में है आसाम में सबसे ज़्यादा जा, है द नीलगिरी एंड दार्जिलिंग दार्जिलिंग में भी कोकोनट ट्रीज़ ग्रो इन कोस्टल एरिया लाइक केरला एंड गोवा कोकोनट किस एरिया में होता है कोस्टल एरियाज में केरला एंड गोवा में हो अधिक ग्रो होता है पानी के समुद्र के किनारे मेज ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन और हेल और मेज जो है मक्का वो ड्राई सोयल पर ग्रो करता है ओनियन एंड ग्राउंड नट नीड वेल ड्रेन संडे सॉइल और ओनियन और ग्राउंड नट के लिए कौन सा संडे सॉइल अच्छा अच्छा होता है नाउ लास्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री प्लांट्स होता है वो क्या होता है अधिक मात्रा में हम ग्रो करते हैं टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ताकि हमारे जो देश के लोग हैं वो भूखा ना रह सकें उनको उनके भोजन के लिए अधिक मात्रा में प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर यानी अधिक मात्रा में अगर कहीं पे प्लांट्स को ग्रो करते हैं फसल उपजाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर मैन्यर इज़ एडेड टू सॉइल टू तो इंक्रीज द प्रोडक्शन और खाद क्या करते हैं खाद डालते हैं मिट्टी में ताकि फसल जो है अच्छे तरह से ग्रो करें फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया सुपर फॉस्फेट एमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू तो दॉयल और फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया हो गया फॉस्फेट हो गया एमोनियम सल्फेट हो गया नाइट्रेट हो गया ये भी मिट्टी में डालते हैं ताकि मिट्टी क्या हो अच्छे तरह से उपजाऊ बन सके हाउ वेवर द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स इसलिए मतलब अधिक मात्रा में हम केमिकल्स का भी उपयोग करते तो वो भी क्या होता है हमारे फसल के लिए नुकसानदेह होता है फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट अगर हम अच्छी तरह से क्रॉप्स को उपजाना चाहते हैं हेल्दी गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स तो हमें वी मस्ट यूज़ हेल्दी एंड राइट सीड्स फॉर सुइंग यानी हमें एक हेल्दी और पका हुआ अच्छे से पका हुआ सीट्स को बुनना चाहिए प्रिपेयर दॉयल प्रॉपरली मिट्टी को अच्छे तरह से क्या कर लेंगे उसको मिला लेंगे और उसको एड मेन्योर और फर्टिलाइजर टू तो दी सोइल और हम खाद डाल देंगे मिट्टी में इरीगेट दी सोइल फिर पानी सिंचाई कर देंगे यूज दी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स और फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे दीज आर केमिकल दैट एट स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एक इसको हम ये केमिकल से जो कि हम क्रॉप्स पे डालते हैं इस पे स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट यानी अगर हम इसको डालते हैं तो क्या होगा उस समय जो कीड़े मकौड़े हैं उससे हम बचाव कर सकते हैं हाउ एवर टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ यानी अधिक मात्रा में हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स कैसे हम प्रोटेक्स कर सकते हैं क्रॉप्स को और सीड्स को कैसे स्टोरेज कर सकते हैं चलिए देखते हैं वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोड्स हमें किसे प्रोटेक्ट करना होगा क्रॉप्स को जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे काउ गोट्स इससे बचाव करके रखना ताकि हमारे वो फसल को खा ना जाए पेस्ट सच लो कस्टर्ड्स ग्रास सॉपर्स एंड कैटल फिलर और किससे कौन से कीड़े से बचाना है लो ग्रास सॉपर्स कैटल फिलर से डिजीजेज बिगर एनिमल कैन भी केप्ड away by proper fencing फेंसिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रीनस नीड टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर जब हम हर फसल को काट लेते हैं तो उसको क्या करना अच्छी जगह पे रखना है ताकि उसमें मनी नमी बनी रहे दे हैव टू बी केप्ट सिप फ्रॉम रैट्स उसको चूहे से बचा के रखना है मोल्स बर्ड्स गिल्हरी एंड इंसेट्स बचा करके हमें रखना है सो दी मस्ट बी स्टोर इन एयर टाइट उसको एयर टाइट में रखना है ताकि वो हमारा हमारा जो फसल है वो हमारा जो ग्रीन है वो बर्बाद ना हो प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर प्लांट्स को भी क्या चाहिए ले? और बाकी लिविंग थिंग्स के तरह इसको भी लव एंड केयर चाहिए अंडर फेवरेबल कंडीशन दी ग्रो वेल वो अच्छी कंडीशन में क्या होगा अच्छा से ग्रो करेगा अ गुड क्रॉप्स एड टू द वेल्थ ऑफ ए कंट्री अगर अच्छा फसल होता है तो वो हमारे देश के लिए क्या है एक संपत्ति है वेल्थ है नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे ओके थैंक यू